कुरान जला के अगर आप राम राज्य लाने की बात कर रहे हैं तो बहुत ही विभत्स राम राज्य है। राम जी भी ऊपर बैठ के रोते होंगे। मोदी जी के राज में जो राम राज्य आ रहा है उसमें मस्जिदों के अंदर अगर जला जला के कुरान को है? कुरान जला के अगर आप राम राज्य लाने की बात कर रहे हैं तो बहुत ही विभत्स राम राज्य है। राम जी भी ऊपर बैठ के रोते होंगे। आज जो ये मार्च अप्रैल में आप देख रहे हैं ना अचानक की बरसातें, ये वहीं बैठ के भगवान ही रो रहा है कि मैंने क्या कर दिया नीचे देश। सुपारी दे रखी है विपक्ष ने मोदी के लिए इमेज खराब करने के लिए। ऐसा है कि ये जो लाइन है ना ये बहुत अच्छी लाइन है। ये जो गली छाप वो जो होता ना ये नेता कहता अरे यार वो किसको कहना चाहिए कि वो छोटे बहुत बड़े गुंडे ये लोग इस भाषा को मोदी लोकप्रिय हो गए ना पूरे विश्व में। मॉर्निंग कंसल्ट एक सर्वे आया जिसमें कहा जा रहा पूरे विश्व में पछाड़ दिया। ये कौन से सर्वे होते हैं? आज तक मुझे एक टेलीफोन नहीं आया 10 साल में कि आपको मोदी जी कैसे लगते हैं। ये सर्वे कौन से कमरे में बैठ के किए जाते हैं और कौन कर देते हैं मुझे ये समझ में नहीं आता। डंका बज रहा पूरी दुनिया में विश्व गुरु। डंका नहीं बज रहा है, भद्द पिट रही है इसको ये कहते हैं। इसको बोलो भद्द पिट रही है, डंका नहीं पिट रहा है, भद्द पिट रही है। आपका मजाक उड़ रहा है? क्या मजाक? मोदी जी कह रहा है मजाक नहीं उड़ रहा। एक ऐसा लोकतंत्र जो विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ के चुने हुए जो नेता है वो अपनी बात संसद में नहीं कह सकते। अच्छा मैडम तो क्या कह रहे मोदी जी? कह रहे हैं खतरे में। अरे ये भाई मैडम कांग्रेस मुक्त हो रहा भारत। कांग्रेस मुक्त होता तो भारत जोड़ो यात्रा से डर के थोड़ी आदमी काम करता। कहाँ डर गए? पूरी भारत जोड़ो यात्रा से क्या डरे हुए? ये यात्रा का ही तो इम्पैक्ट है जो संसद में निकल रहा है। अरे मोदी जी कह रहे सारे चोर इकट्ठा हो रहे हैं। अच्छा एनडीए क्या था? जब आप इकट्ठे हो जाए दो मंत्री दो आपके सांसद चुने दो आपके जो है विधायक चुने जाते हैं और आप सरकार बना लेते हैं ठीक है तब नहीं समझ में आता कि चोर चोर मोसारे भाई हो रहे हैं। कर्नाटक में चुनी हुई सरकार बना लेते हैं आप और 100 करोड़ जो है उसमें विधायक खरीद। सिखाया तो आपने ये सब? सिखाया तो आपने ये सब? कब सिखाया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने ये कब सिखाया कि आप जनता की आवाज को दबा दीजिए? चलिए धन्यवाद। मोदी जी की डिग्री के बारे में क्या कहेंगे? डिग्री जो है क्या? देखो राजीव शुक्ला जी का वो इंटरव्यू निकालो और रोज चलाओ। मोदी जी ने खुद कहा था मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं इंटर के बाद कहीं नहीं। भरोसा नहीं है क्या उन्होंने डिग्री? अरे भाई इधर देखे, इधर तड़ी पार आदमी किसी से कुछ भी कह दे आप उसको मान लेंगे। एक डिग्री लेके वो क्यों बैठे? क्यों बैठे? जिस उम्र के नरेंद्र मोदी हैं, जिस उम्र के नरेंद्र मोदी हैं उस उम्र में मेरे पिताजी ने।